मैंने एक सीरीज चलाया है हर ब्रांच का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स, मोस्ट डिमांडिंग फील्ड और सेक्टर आपको बता रहा हूँ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल हो चुका है, एसी का है। और उसमें बता रहा हूँ, अगर उस टॉपिक को और अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहते हो उस टॉपिक के, मतलब जो डिमांडिंग फील्ड है, तो नीचे कमेंट करना, मैं उस पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन का अलग से सीरीज़ बना के दूंगा आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया मैंने वीडियोस का, मुझे बताया, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में है, मेरे लिस्ट में है, मेरे को बना के देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मोस्ट डिमांडिंग फील्ड क्या है, ये मेरे पिटारा के मैं पहले क्यों नहीं खोला, बिकॉज मैं धीरे धीरे करके खोलूंगा एक पिटारा। जो मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है उसमें एवरेज पैकेज है 20 लाख पर एनम का, 20 लैक्स पर एनम का। आई होप यू आर इंटरेस्टेड टू नो ऑल दोज डिमांडिंग थिंग्स, राइट? तो सिर्फ इसी का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नहीं है। आप अगर रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सबके लिए है 20 लैक्स LPA, 20 लैक्स पर एनम, ठीक है? LPA मतलब क्या होता है? लैक्स पर एनम होता है। आई होप यू नो अबाउट इट, सबको पता होता है मेनली। अब सबको थोड़ा ना पहले से पता होता है। तो बात करेंगे अब इसमें इम्पॉर्टेंट फील्ड क्या है। देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, पहले मार्केट की मेरे बात करते हैं, इससे आपको पता लगेगा एक्चुअली क्या है मार्केट हिस्ट्री। इसी इंडस्ट्री का हिस्ट्री की बात करेंगे। बिफोर 2015 लगभग कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। जो थी सारा सब कुछ इंपोर्ट होता था, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं था। 2015 से 20 तक काफी ज्यादा अच्छा मोबाइल पर हमने क्या करा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर काफी हमने क्या करा, हमने फोकस करा और अचीव भी करा। 300-400 के आसपास कंपनीज अभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। बट पहले उन्होंने क्या करा, सिर्फ असेंबल करा मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर। बट धीरे धीरे क्या करा उन्होंने, फैसिलिटीज उनको मिला, इंफ्रा मिला, तो कुछ हद तक वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 50%, 60%, 70%, 80%, वो डिपेंड करता है, वेरी कर रहा है कंपनी टू कंपनी। अच्छा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बट गेम चेंजर कब हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम सेमीकंडक्टर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, जो कंपनीज आएंगे उनको हम टैक्स में छूट देंगे, उनको हम इंसेंटिव्स देंगे। तो क्या हुआ, बड़े बड़े कंपनीज लाइक फॉक्सकॉन, उन्होंने इंटरेस्ट लगाया और सेमीकंडक्टर में, या फिर ये सारे प्रोसेसर वाले कंपनी जैसे AMD हो गया, इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, NVIDIA हो गया, ये क्या कर, ये सब जो बेसिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सारे ने इंटरेस्ट लिया और इनके बहुत सारे कंपनीज ने क्या करा, बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा। अभी बहुत सारे चल रहा है काम, बहुत अच्छा चल रहा है मैं बोलूँगा, बट अभी जो चला है इससे आगे और अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में। जिसके चक्कर में सडनली क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ा इंडिया में। किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का। 2016-17 तक कोई मेरे को बोलता है इसी ब्रांच में आना करता है, कहीं कोई लेने की जरूरत नहीं है मतलब। उसके बाद देखा नहीं भाई, इसका बहुत अच्छा मार्केट आ रहा है आगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इंटरेस्ट ले रही है। और जिस भी कंट्री में गवर्नमेंट किसी फील्ड में इंटरेस्ट लेती है लॉन्ग टर्म बेस पर, उसमें आप अगर जाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। जस्ट लाइक अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, बहुत इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट, अभी तो सब्सिडी हटा दिया बिकॉज अच्छा मार्केट पकड़ा है। और मार्केट में जाओगे स्कूटी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिखता है बहुत ज़्यादा, पहले इतना दिखता नहीं था, अभी बहुत दिखता है, अफोर्डेबल भी आ गया, 60-70 हज़ार में ठीक मिलता है, 1-1.5 लाख का भी सेगमेंट है। तो जैसे लोग है उस तरह से है। तो ये सब कुछ देखने के बाद बेस्ट फील्ड कौन से है भाई, देखो अभी जो मार्केट में फील्ड है उनमें तीन ही जगह पर आप जा सकते हैं, ये तीन जगह जो है आपका लाइफ चेंज कर देगा, बहुत बढ़िया सैलरी है। ये तीनों फील्ड में क्या है, 20 लाख एवरेज पैकेज है। कैसे जाओगे वही बताऊंगा। तो पहला क्या है हमारा, VLSI, फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब क्या होता है, ये VLSI जो है ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, सारे नहीं कर सकते। एक छोटे से चिप में क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स,
इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज व्हाट माय डियर क्या है, बेलएसआई होता है। ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं, इसमें बेसिकली मॉसफेट होता है, वो मॉसफेट आपने पढ़ा होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये बेसिकली मॉसफेट होता है, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, वीएलएसआई पहला। दूसरा क्या होता है, एम्बेडेड, एम्बेडेड सिस्टम आपने पढ़ा होगा, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा होगा। और तीसरा इटसेल्फ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बहुत जगह पर एडवांस कम्युनिकेशन। ये भाई तीन फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही जबरदस्त है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई जाना चाहता है प्रोग्रामिंग में, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, वो इजीली जा सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, लाइक माइक्रो प्रोसेसर है और भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। आपका जो माइंडसेट, आपका जो कल्चर, आपका जो पढ़ाई का हिसाब किताब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी होता है, प्रोग्रामिंग भी आप कुछ कुछ सीखते रहते हैं, तो यू कैन गो टू दैट फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड आप जा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा था आपको, अब बात करेंगे जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। कम्युनिकेशन तो लोगों को पता है कि भाई एडवांस हो कैसा भी हो, कम्युनिकेशन मतलब क्या है, कोई चीज़ को, हमारे बॉडी को, हमारे फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, दैट इज़ कम्युनिकेशन। एडवांस मतलब क्या, कोई सोफिस्टिक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, दूर जाएगा, है ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन आपको पता है। मेन प्रॉब्लम रहता है कि VLSI और एम्बेड सिस्टम में डिफरेंस क्या है, देखो समझाता हूँ। VLSI में क्या है, आपके पास जो है आप फिजिकल चीजें कर रहे हो, एम्बेड सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर है, मेनली प्रोग्रामिंग इसमें रहता है। बट VLSI में क्या है, फिजिकल मतलब क्या, आप हार्डवेयर का चीज है, दैट्स इट। और बहुत जगह पर देखेंगे एम्बेड सिस्टम एंड VLSI दोनों पढ़ाया जाता है, ये सबसे डिमांडिंग फील्ड है। तो इसमें एंटर करने का क्या है भाई, देखो कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई इंटर्नशिप कर लिया, एंटर कर लिया बीटेक के बाद, तो अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से पढ़े, छोटे मोटे कॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता है, टीयर थ्री है, जैसे हम जैसे पढ़े स्ट्रगल करते हैं बच्चे, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे वो स्ट्रगल करके कुछ कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर, वो डिफरेंट है। बट उस केस में क्या होता है, आप इंटर्नशिप करते हैं, आप एंटर करने के लिए आप छोटे कोर्सेज करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आप इस जगह पर पहुंच नहीं पाते हो। ये जो बताया मैंने आपको, इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको मैंने आज तक देखा नहीं है, 15 साल हो गए इस फील्ड में मुझे, मैंने देखा नहीं आज तक कि टीयर थ्री कॉलेज से पढ़ा है और एक बहुत अच्छा कंपनी में जॉब लगा है, ये देखा है, बट 20 लाख का पैकेज मिला है टीयर थ्री कॉलेज, मैं देखा नहीं आज तक, 8 लाख 10 लाख तक देखा है, 20 लाख का देखा नहीं अब तक, ठीक है, 12 लाख का देखा तक सॉफ्टवेयर में मिला था एक बच्चे को, उससे ज़्यादा देखा नहीं। तो आप बोलेंगे सर 20 लाख आपने बोला है, कैसे पहुँचेंगे, बता देता हूँ। देखो ये जो शॉर्ट टर्म करो, कोर्स करो, कुछ भी करो, बड़े कंपनीज तक एज ए फ्रेशर पहुंचना मुश्किल है, मैंने एज ए फ्रेशर बोला, आफ्टर एक्सपीरियंस आप कितना जा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मैं जानता हूँ एक मेरे स्टूडेंट थी, बोलूँगा तो ठीक ही रहेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो उसने मर्सिडीज़ में जॉब मिला उसको, एक सिंपल नहीं, एवरेज कॉलेज से पढ़ी थी, मर्सिडीज़ में जॉब कर रही है डायरेक्ट नहीं, पहले वो टाटा में काम करी, फिर वो वहाँ पर गई मर्सिडीज़ में, इंटरव्यू भी हो गया, समझ रहे हो। और वो बोलती है वहाँ पर मैक्सिमम IIT आने जो कैंपस प्लेसमेंट होके ही आते हैं, तो या तो कैंपस प्लेसमेंट करके जाओ, या तो एक्सपीरियंस के बेस पर वहाँ पर अच्छा सा नॉलेज लो, फिर इंटरव्यू दो, फिर जाओ, ऐसा पॉसिबल है। तो 20 लाख पैकेज आपका पॉसिबल कैसे होगा एज ए फ्रेशर, दैट आई विल टेल यू। वो पॉसिबल ऐसे होगा, ध्यान सुनना, पॉसिबल ऐसे होगा कि आप क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे आप, दैट इज सिंपल, ओके, आप लग जाओ सेकेंड ईयर से लग जाओ प्रिपरेशन करने एग्ज़ाम का, अगर उसमें पहुंचना है। और अगर आप अभी कब वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, 2025 तक ये जो एवरेज पैकेज है बढ़ेगा, अभी 20 दिख रहा है, 22, 24, 25 तक दिख सकता है एक ठीक ठाक कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में 30-35 लाख का एवरेज पैकेज भी हो जाएगा आगे जाके, बिकॉज इसका डिमांड
ग्रेजुअली नहीं, एब्रप्टली बनने वाला नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, जो अच्छे सोफिस्टिकेटेड नॉलेज रखते हैं अपने अंदर उनके लिए गेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा गुड कॉलेज से, फिर आपको 20 लाख का एज ए फ्रेशर का डीम पूरा हो सकता है। आफ्टर एमटेक आफ्टर ये स्टेबल करियर मिल सकता है बिकॉज आप मास्टर डिग्री होल्डर होंगे, फिर आपको मैनेजमेंट का रोल भी इजीली मिल जाएगा, तो ये करना होगा। आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन होंगे, सर गेट करूँगा मेरे को तो न्यूमेरिकल आता नहीं है, डोंट वरी उसका सलूशन है, उसका सलूशन क्या है प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो आपको सिखाए, मैं कुछ करूँगा इसके लिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई भी ब्रांच वाला कैसे करेगा, स्लोली करेंगे 2025 के प्रिपरेशन के लिए मैं उसमें कुछ करूँगा आप लोगों के लिए, 24 तो अभी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, बट पहले ही बना लो गेट में आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा उस फिर तक पहुँचने के लिए, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कर सकते हो, कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाने का ज़रूरत नहीं है अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो। सिंपल काम करना है जो बता रहा हूँ अभी आपको, कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं आपके सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है, बस को बोझ नहीं मानना है, जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं कॉलेज में अगर वो टॉपिक गेट के सिलेबस में है उस टॉपिक का गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो और सॉल्व करो, दैट्स इट। उसके बाद क्या करो थोड़ा प्रैक्टिस करो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर थर्ड ईयर में जब आओगे प्रैक्टिस का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दो, टेस्ट सीरीज दो सितंबर अक्टूबर से, एक कंपनी का नहीं, एक कंपनी का दे दिया दूसरे कंपनी का, दूसरे कंपनी का तीसरे कंपनी का, ऑनलाइन वाले कंपनी का भी दे सकते हो, ऑफलाइन वाले जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेल कर रहे हैं उनका भी दे सकते हो, हम हमेशा बोलते हैं 50-50 कर लो फिर काम बनेगा आपका। मेरे हमारे साथ काम करें वो आईआईटी बैंगलोर से, अभी उनका एमटेक लगभग कंप्लीट होने वाला है, उनका गेट में रैंक था 108, उनका बोलना था भाई हमारे साथ पढ़ाए हैं, हमारे साथ मैथमेटिक्स का हमारा जो कोर्स है उन्होंने पढ़ाया, ठीक है मैं डाल दूंगा लिंक अगर बाय करना आपको, मैथ्स और एप्टीट्यूड उन्होंने पढ़ाया हमारे लिए, तो कुछ यहाँ पर स्टूडियो में पढ़ाया वो आके पढ़ाए वो कि, तो आप बाय कर सकते हो मैथमेटिक्स का कोर्स, तो लिंक उसका डाल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। उनका बोलना था अगर गेट में मेरे को बहुत अच्छा रैंक मेरा पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में क्यों आया, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस करा, खाली उन्होंने नहीं बहुत सारे वजह से, एक मतलब मैडम थी उनका एसएससी जेई में 15 रैंक था, उनका भी वही कहना था मैक्सिमम लोगों जितना भी एक हमारे साथ काम कर रहे थे कंटेंट के लिए हमारे क्वेश्चन बनाते थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्वेश्चन उन्होंने बनाया हमारे लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, तो अभी वो आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने ही बोलना कि प्रैक्टिस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का तरीके से प्रैक्टिस मतलब समझ के लॉजिक लगा के दिमाग में जोर डाल के, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ गए गेट का प्रिपरेशन, या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना सेम पैटर्न अप्लाई करना पड़ता है, यू टू अप्लाई सेम पैटर्न, समझ रहे हो। तो टॉप एमर्जिंग फील्ड का नॉलेज आपको मिल गया, तो ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको मुझे बताइए कमेंट करके, कोई अगर लगता है कि नहीं ये डेटा मिसिंग हो रहा है और डेटा दीजिए मैं दूंगा, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द डेटा विथ यू सो दैट यू कैन गेट अमेजिंग आउटकम फ्रॉम माई वीडियोज। तो ये था वीडियो पूरा, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।